बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने हर वर्ग का ख्याल रखा है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा से हमारे संवाददाता अनिल मोर ने खास बातचीत की, जिसमें कुमारी शैलजा ने बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमला पत्र करार दे दिया। दिखाते हैं आपको। तो लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस, वहीं बीजेपी कह रही है कि हमारे सपनों का हरियाणा, बीजेपी का भी मैनिफेस्टो आ चुका है, तो क्या लगता है लोग आपके घोषणा पत्र पर, आपके संकल्प पर विश्वास जताएंगे या बीजेपी के संकल्प पत्र? बीजेपी के तो सपने देख लिए, ये कौन सा सपनों का हरियाणा, सपनों में ही उड़ा दिया इन्होंने तो। पांच साल पहले सपने दिखा दिए, 154 सपने दिखाए, एक भी पूरा नहीं किया। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहते हैं, ये कह रहे हैं कि अंत्योदय मंत्रालय बनाया जाएगा, एसवाईएल का भी जिक्र किया कि एसवाईएल का पानी लेके आएंगे। 5 साल में आपने क्या किया? एसवाईएल की बात तो दूर, किसानों की आमदनी दुगनी करना तो दूर, बल्कि उनकी जो लागत है वो डबल कर चुके हो आप। कांग्रेस कह रही है कि क्या कांग्रेस, लेकिन जो आपने इसमें वायदे किए काफी भारी भरकम वायदे रखते थे, कर्ज माफी की बात हो, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, उसके लिए जो एक बजट है, पैसा कहां से आएगा? पैसा जनता का पैसा है और जनता को जाएगा, हम पूरा जनता के पैसे को एफिशिएंट यूज करके जनता को देंगे, हमारे जो गरीब असहाय हैं उनको देंगे, किसान को देंगे, मजदूर को देंगे, युवा को आगे बढ़ाएंगे, सब कार्य हमने करना है, महिलाओं के लिए करना है, उनकी सुरक्षा के लिए करना है। सारी स्पीच मैं सुनता हूँ, आज भी मैंने सुनी है, आप बीजेपी का तो जिक्र करते हैं, कभी कभी चौटाला साहब का जिक्र कर लेते हैं, लेकिन जेजेपी का, इनेलो का कहीं कोई जिक्र नहीं करते, क्या खास वजह? मुझे ये लगता है कि ये पार्टी खत्म हो गई है, अपने आप में खत्म हो गई है, और कुछ अभी जनता में इनकी बात जमी भी नहीं है, तो इसलिए आज के दिन जो हमारा मुकाबला है वो सत्ता पक्ष से है, और सत्ता पक्ष को हमने नीचे करना है, और हमारी सरकार जनता के सहयोग से फिर से बनेगी। पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं लगातार, उम्मीदवारों के लिए अपने वोट मांग रहे हैं, बीजेपी 75 का टारगेट लेकर चल रही है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति फिलहाल आपको क्या नजर आती है? अगर सच्चाई में देखा जाए तमाम बड़े दिग्गज, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी को, फिलहाल चुनावी मुकाबले में फंसे नजर आ रहे हैं सारे के सारे बड़े बड़े नेता। बिल्कुल, हमारे नेता चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे अलावा सभी लड़ रहे हैं तकरीबन, क्योंकि मैं लड़वा रही हूँ कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते। लेकिन मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, तिगांव।